स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप यहाँ पर टॉकबैक प्रॉब्लम को या यूँ कहें वॉइस असिस्टेंट प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे आप। ये हैं सैमसंग के मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात तो कह चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे यहाँ पर टू फिंगर से स्वाइप करना है। एक फिंगर से कितना भी स्वाइप करेंगे आप ये ओपन नहीं होगा। टू फिंगर लेना है आपको, इस तरीके से स्वाइप करना है और यहाँ पर सेटिंग आपको ढूंढना है, इस पर क्लिक करना है। एक बार सिलेक्ट हो चुका है फिर डबल डबल टैप कर देना है तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फिंगर से यहाँ पर स्वाइप करेंगे तो नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको टू फिंगर से इस्तेमाल करना है। और आपको यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी ना मिले तो आपको उस तरीके से स्वाइप करना है हल्के हाथों से और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है, डबल टैप कर देना है। तो ये हो चुका है ओपन, एक्सेसिबिलिटी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको टॉकबैक का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। अगर आपको ना मिले तो टू फिंगर स्वाइप कर लेना, ये हो जाएगा, डबल डबल टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, डबल टैप कर देना है। टर्न ऑफ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, डबल टैप कर देना है। अब जो ये वॉइस असिस्टेंट प्रॉब्लम है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। इस तरीके से आप वॉइस असिस्टेंट प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।